नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे आपका ग्वालियर से इटावा, जो कि है आपका नेशनल हाईवे 719। इसमें आपका जो चंबल नदी है, चंबल रिवर है, यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और साथ ही आज यानी कि 18 सितंबर से लेकर अगले महीने के 3 अक्टूबर तक ये नेशनल हाईवे आपका जो ये पुल है, इस पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद होगी। इवन बाइक तक नहीं जा सकता। हालांकि बहुत सारे अल्टरनेट रास्ते हैं, उसका यूज किया जा सकता है, बट यहाँ पर अभी रिपेयर का काम होगा, जिसकी वजह से काफ़ी दिन यानी कि 18 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये जो रोड है, मतलब यहाँ पर आपका चंबल रिवर पर जो कि इटावा के पास है, ये आपका बंद रहेगा। इसकी जो टोटल दूरी है, चलिए इसको ब्लैक बोर्ड में अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में ये हाईवे की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हाईवे की इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, दिल्ली से कोलकाता आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये जो रोड है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। और साथ ही आपका जम्मू से कन्याकुमारी जो दिल्ली होते हुए जाता है, ये आपका ग्वालियर झांसी होते हुए जाता है। तो ये है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। एक तरीके से ये आपका GQ यानी कि जी रोड भी बोलते हैं इसको, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को, ये रोड को और साथ ही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को ये ज्वाइन करता है, जिसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे 719, जो कि ग्वालियर के पास ज्वाइन होता है। तो इसलिए इस रोड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका इटावा हो गया, इटावा के सारे ट्रक अगर मान लीजिए चेन्नई जाना है तो इस रोड को फॉलो करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है आपकी इस हाईवे की। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।